वो कहते हैं कि वेब सीरीज का नशा स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे आपके दिमाग पे चढ़ता है। ये आंखों को धोखा और दिमाग को चुनौती देने वाला है आज के दुनिया के टॉप मास्टरपीस वेब सीरीज। और आज हम करेंगे उन सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री से भरी हुई कहानियों का खुलासा जो 100% यूनिक होने वाली है, जो पूरे लॉजिक के साथ मिलेगा और जिसका इम्पैक्ट आपको सरप्राइज करेगा। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारे सीरीज आप आराम से अपने घर बैठे अपने OTTs में ही देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बकल अप एंड लेट्स डाइव इन, क्योंकि आज की राइड होने वाली है टू मच डार्क एंड डीप, क्योंकि आज हर एक मोड पे मिलेगा आपको एक नए सस्पेंस का लीप। के लिस्ट के नंबर 10 में है अमेरिकन क्राइम एक्शन ड्रामा टीवी सीरीज प्रिजन ब्रेक। जब कभी भी बात एस्केप की हो तो सबसे पहले आता है प्रिजन ब्रेक का ही नाम। ये सीरीज की कहानी बेसिकली दो भाई की है, जहां उनमें से सबसे इनोसेंट भाई को एक मर्डर के झूठे चार्ज में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है और फांसी का सजा सुनाया जाता है। फिर उसे बचाने के लिए उसका भाई खुद ही उस जेल में चला जाता है और फिर शुरू होता है एक माइंड ब्लोइंग एस्केप का प्लान। 5 सीजन और 90 एपिसोड्स की ये सीरीज क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को काफी इंप्रेस की है और 8.3 IMDb रेटिंग के साथ ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। क्या आपको रोबोट्स और फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पसंद है? आज के लिस्ट के अगले नंबर 9 में है अमेरिकन डिस्टोपियन साइंस फिक्शन टीवी सीरीज वेस्ट वर्ल्ड। कहानी की बात करें तो अमीरों की मौज मस्ती के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क को बनाया गया है, जहां इंसान के रूप में रोबोट्स को रखा गया है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब इन रोबोट्स के सिस्टम में खराबी आने लगती है। 4 सीजन और 36 एपिसोड्स की ये साइंस फिक्शन सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये टेक्नोलॉजी का असर हमारे फ्यूचर पर कितना इफेक्ट कर सकता है। और 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। सोचो, दिन में एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और रात को एक विजिलेंटी हैकर। आज के लिस्ट के नंबर 8 में है अमेरिकन टेक्नो और साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा टीवी सीरीज मिस्टर रोबोट। इसकी कहानी रिवॉल्व करता है एलियट नाम का एक बंदे के अराउंड, जो नॉर्मली एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, पर रात को वो एक विजिलेंटी हैकर बन जाता है जो अमेरिका के कॉर्पोरेट जायंट्स को एक्सपोज करने और गिराने का कोशिश करता है। ये सीरीज जितना ज्यादा आगे बढ़ता है उतना ही ज्यादा पेचीला बनते जाता है। इसकी स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी और सस्पेंस आपको अपने सीट से हिलने ही नहीं देगी। 4 सीजन और 47 एपिसोड्स की ये सीरीज क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को बहुत ही एंगेज किया है। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको जियो सिनेमा के साथ साथ प्राइम वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। क्या आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? आज के लिस्ट के अगले नंबर 7 में है अमेरिकन पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स। कहानी बेसिकली है एक शातिर पॉलिटिशियन की, जो अपने बीवी के साथ मिलकर पावर और रिवेंज के लिए खेल खेलता है। पर इसमें ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने का वादा करके भी धोखा दिया जाता है, और तब वो बदले की आग में व्हाइट हाउस तक अपने पहुंच बनाने के लिए हर हदें पार कर देता है। सीरीज का ये रूथलेस प्रैग्मेटिज्म, मैनिपुलेशन, पावर प्ले थीम्स इसे एक मस्ट वॉच शो बनाती है। 6 सीजन और 73 एपिसोड्स की ये सीरीज में फ्रैंक अंडरवुड की वो चालाकी और एम्बिशियस गेम आपको हर एपिसोड में शॉक कर देगा। और 8.6 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 6 में है अमेरिकन साइकोलॉजिकल नियो नॉयर क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज डेक्स्टर। ये एक ऐसा ब्लड स्प्लैटर एनालिस्ट की कहानी है जो दिन में तो पुलिस के लिए मर्डर सॉल्व करता है और रात में वो खुद ही एक सीरियल किलर बन जाता है। मॉर्गन डेक्स्टर का ये डबल लाइफ जीवन, उनका अनबिलीवेबल एक्टिंग और शो की अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसे एक मस्ट वॉच शो बनाती है। इसकी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और मोरल डिलेमास ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया है। 8 सीजन और 96 एपिसोड के साथ ये सीरीज 8.6 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स में, Amazon प्राइम वीडियो में और जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। 80s के नॉस्टैल्जिया, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और एक मिसिंग बच्चे की मिस्ट्री। अगले नंबर 5 में है अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मिस्ट्री सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। जब एक छोटा सा लड़का गायब हो जाता है तब एक छोटे से टाउन में कई सारे सीक्रेट्स खुलने लगते हैं। सरकार के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सुपरनैचुरल फोर्सेस के प्रेजेंस और एक बहुत ही अजीब सी छोटी लड़की, ये सब कुछ है इस शो की कहानी में। ये सीरीज नॉस्टैल्जिया, हॉरर और दोस्ती का एक परफेक्ट ब्लेंड है। शो की सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन, एडवेंचरियस नैरेटिव, नॉस्टैल्जिक रेफरेंस और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ने हर एक ऑडियंस के दिलो दिमाग में घर कर लेता है। 5 सीजन और 42 एपिसोड के साथ ये सीरीज 8.7 IMDb रेटिंग के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा।
अगले नंबर चार में है जर्मन टाउन में मिसिंग चिल्ड्रन और टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री से भरा साइंस फिक्शन टीवी सीरीज डार्क। ये एक ऐसी साइंस फिक्शन नियोनोयर सीरीज है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। इस शो की कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ देखकर आप हैरान हो जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है जब वेंडन शहर में अचानक बच्चे गायब होना शुरू हो जाता है। इस शो में हमें चार फैमिली की जिंदगी के सीक्रेट्स उनके डार्क पास्ट को दिखाती है और ये सब कुछ एक सिनिस्टर टाइम ट्रैवल की कंस्पिरेसी के चक्कर में है जो जनरेशन को स्पैन करती है। डार्क ने अपने कास्ट, डायरेक्शन, राइटिंग, विजुअल्स और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव के लिए काफी तारीफ पाई है। इसमें एग्जिस्टेंशियल इंप्लिकेशंस ऑफ टाइम एंड ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर की गई है। विजुअल्स और हॉन्टिंग म्यूजिक आपको डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन स्टोरी इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है कि आप उठ ही नहीं पाओगे। 3 सीजन और 26 एपिसोड के साथ ये शो लाइफ में नजाकत, प्यार की ताकत और ग्रीफ की दर्द को दिखाती है और 8.7 IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अगले नंबर 3 में है ब्रिटिश हिस्टोरिकल पीरियोडिक क्राइम ड्रामा सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स। 1919 में वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन एक मिक्सचर बन गया था डिस्पायर और हेडोनिज्म का। वो रिटर्निंग सोल्जर्स, न्यूली मेंटेड रिवॉल्यूशंस और क्रिमिनल गैंग्स वो अफेवल का दौर में अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे और उसमें उभर के आते हैं सबसे पावरफुल गैंग पीकी ब्लाइंडर्स जो चल रहा है रिटर्निंग वॉर हीरो थॉमस शेल्बी के अंडर, जिनके एम्बिशंस बहुत ही बढ़िया है। वो सिर्फ स्ट्रीट्स नहीं बल्कि लेजिटिमेट बिजनेस में भी अपना नाम बनाना चाहता है। सिलियन मर्फी की पावरफुल परफॉर्मेंस और शो के डार्क ग्रिटी एटमॉस्फेयर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, उनके एक्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट इसे एक मास्टरपीस शो बनाती है। 6 सीजन और 36 एपिसोड की ये सीरीज में आपको क्राइम, फैमिली, लॉयल्टी और पावर स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करने मिलेगा और 8.8 IMDb रेटिंग के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। 1986 में सोवियत यूनियन के यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और इसी रियल इंसिडेंट को दिखाती है ये हिस्टोरिकल ड्रामा टीवी सीरीज चेर्नोबिल। इस पावर प्लांट में हुई एक्सप्लोजन ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस शो में हमें उस छोटे से टाउन के लोग, उनके फायर फाइटर्स, वॉलंटियर्स और माइनर्स जो डिजास्टर के बाद भी अपनी जान लगा देते हैं वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए। इस सीरीज की इमर्सिव सिनेमाटोग्राफी, हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज, परफॉर्मेंसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हॉन्टिंग एटमोस्फियर आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। अगर आपको हिस्टोरिकल डिजास्टर्स इवेंट और सस्पेंस पसंद है तो 9.3 IMDb रेटिंग के साथ ये 5 एपिसोड की मिनी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। और आज के लिस्ट के नंबर 1 में है वर्ल्ड की दी बेस्ट एवर नियोनोयर क्राइम थ्रिलर टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड। कहानी एक केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर व्हाइट से शुरू होता है जब वो अपने फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर मेथ नाम का एक ड्रग बनाने और बेचने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो ड्रग ट्रेड में एक रूथलेस फेमस किंगपिन बन जाता है। शो की कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपके जहन में घर कर लेगा। वॉल्टर व्हाइट को डिसेंट कॉलेज प्रोफेसर से डार्क लॉर्ड का ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी बैटल विद मोरालिटी, ये सब कुछ शो में बहुत ब्रिलियंटली दिखाई गई है। टू बी ऑनेस्ट, इसके हाई क्वालिटी स्टोरी लाइन एपिसोड बाय एपिसोड बेटर से बेटर बनते जाते हैं। इसके सिनेमाटोग्राफी, BGM और कैरेक्टर्स की अनबिलीवेबल एक्टिंग, हर चीज टॉप नॉच है। 9.5 IMDb रेटिंग के साथ ये 5 सीजन और 62 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड टॉप 10 मास्टरपीस वेब सीरीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करें तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करते हुए जाना और ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ एंटरटेनमेंट।